पिछले जी बैठे हुए हैं हमारे बोला ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर भी रही हैं, और मेरे बच्चों का इंटरव्यू भी मैडम ने ही लिया था, दोनों बेटियों का। तो थैंक यू वेरी मच मैम, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सम्मान करते हैं नई मुंबई के शिल्पकार। मैम आपसे विनम्र निवेदन है कि दो शब्द आप कहें। मुझे लगता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सब तक पहुंचती है। मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूं, रहती हूं मुंबई में, मुंबई मेरा कर्म क्षेत्र है। उत्तराखंड के इस प्रोग्राम में आके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने एक छोटे भाई के प्रोग्राम में शामिल हुई हूं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबको मिलनी चाहिए, सबको प्रदान होनी चाहिए, और हम शिक्षक उस दिशा में अग्रसर हैं। आप सबके सहयोग के साथ और आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हमेशा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हम आपके बच्चों का साथ देते रहें। और हमको आप लोगों द्वारा सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन टू उत्तराखंड वासी, थैंक यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। और अब नई मुंबई के शिल्पकार और जिन्होंने नई मुंबई को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारे युवा मंत्री जी हैं आदरणीय श्री गणेश नाइक जी। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सभी युवा साथियों से कि पुष्पालंकार एवं वस्त्रालंकार के साथ स्वागत करें। और मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय नाइक जी से कि दो शब्दों के साथ हमें संबोधित करें। देवभूमि फाउंडेशन आयोजित नई मुंबई एक कौथिक सीजन 15, इस अवसर पर उपस्थित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर से धामी जी, इस शहर के प्रथम महापौर श्री संजीव जी नाइक, हरीश धामी जी विधायक, इस शहर के महापौर जयवंत जी सुतार, देवभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश राणा जी, हीरा भाकुनी जी, माधवानंद भट्ट, श्री